हाय एवरीवन, माय सेल्फ आकाश। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AFMC में मैं इंटरव्यू देने के बाद, स्क्रीनिंग के बाद जब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया तो उसके बाद मैंने AFMC ज्वाइन करा या नहीं करा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सोचा कि AFMC ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड जो AFMC में हैं, जो बाकी कॉलेज में हैं, मैंने उनसे भी पूछा, उनके बारे में पूछा कि भाई, और कंपेयर करा कि कहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो फाइनली मैंने AFMC ज्वाइन नहीं करा। इसके कुछ रीजन्स है। देखिए, हम सबको पता है AFMC के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि वहाँ पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, यूनिफॉर्म है, हमें एक रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल एंड मैनी मोर। ओके, सैलरी भी अच्छी है, इनिशियली सैलरी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा है, स्टाइपेंड अच्छी है एंड बहुत सारी चीज़ें, उसके पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत सारे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल एक लॉस भी है, सबसे बड़ा लॉस है टाइम का। आपने एक बार MBBS कर ली तो 7 साल तक आप, अगर आपने SSC लिया है तो 7 साल तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दे सकते, परमानेंट कमीशन लिया है तो आप 4 साल तक नहीं दे सकते। अब इससे क्या होता है कि एकेडमिक ग्रोथ हिंडर हो जाती है। सबसे मेन रीज़न यही था कि मैंने AFMC ज्वाइन नहीं करा। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैशन है आर्मी का, बहुत ज़्यादा ये है कि भाई यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो वो ले सकता है। ओके, रेगुलर पोस्टिंग होती हैं, 3-3 साल के बाद कहीं भेज देते हैं, फिर कहीं भेज देते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है। डिसिप्लिन अब किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए नुकसान, लेकिन मेरे लिए तो नुकसान ही था इसलिए मैंने हटा दिया। फिर हायरार्की बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, अकेडमिकली बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते PG का, तो वो अकेडमिक ग्रोथ को हिंडर कर देता है। ये सारी चीज़ें मैंने कंसिडर करी और फाइनली मैंने सोचा कि मैं AFMC में नहीं लूँगा। अब मैंने AFMC छोड़ दिया तो मैंने कोई और कॉलेज लिया है। कौन सा कॉलेज लिया है मैंने नेक्स्ट, वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू।